हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाले एक्सप्रेस। तो सावन का महीना है, तीज और रक्षाबंधन भी है, तो क्यों ना घेवर बनाया जाए। तो आज हम रबड़ी घेवर बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 किलो फुल क्रीम दूध लिया है और उसे उबाल आने दें। अब उबाल आ जाए तो इस मलाई को इसी में मिक्स कर दें जिससे कि ये थिक हो जाए। आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थिक करने के लिए। और इसे हमें जब तक फूकना है जब तक ये हाफ़ या 1/3 ना हो जाए। और यहाँ मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी ली है और इसे इसमें डाल दें। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और फिर इसे मिक्स कर दें। अगर आपको रबड़ी की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब हमारी रबड़ी रेडी हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी थिक है जितनी हमें चाहिए थी। तो अब हम इसे उतार देंगे और इसे ठंडा होने दें। यहाँ मैंने 4 से 5 छोटी चम्मच घी लिया है, 4 से 5 आइस क्यूब लिए हैं और 1 कप मैदा ली है। अब हम जार लेंगे और उसमें 4 चम्मच देसी घी डाल देंगे। 4 से 5 आइस क्यूब डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो अब हमारा घी एकदम कड़क हो गया है, तो इसमें हम 1/2 कप दूध डाल देंगे। तो अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे, हम सारी मैदा एक साथ नहीं डालेंगे तो आधी आधी करके डालेंगे। तो इसे अब अच्छे से ब्लेंड कर दें। तो देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर आया है इसका। तो इसमें हम दोबारा 2 चम्मच मैदा डालेंगे, ऐसे ही सारी मैदा को डाल देना है आपको। और इसमें मैंने थोड़ा सा चिल्ड पानी डाला है और इसे अच्छे से ब्लेंड करें। फिर मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन डाला है और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करें। अब मैंने बैटर को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, तो ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा और चिल्ड पानी ऐड करूँगी। हमारा बैटर पतला होना चाहिए जिससे कि घेवर अच्छा जालीदार बनेगा। अब यहाँ मैंने एक छोटा भगोना लिया है इस तरह का और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और इसे गर्म होने दें। और मेरे पास यहाँ ये बॉटल है, आप करछी से भी डाल सकते हैं, मैं इसी से ही बनाऊँगी। तो ये बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम बैटर डाल देंगे। इसमें स्टिक से होल बनाएं और इस लेयर को थोड़ा सिकने दें, थोड़ा गोल्डन हो जाए। अब ये थोड़ा गोल्डन हो गया तो हम दोबारा डाल देंगे और स्टिक से ऐसे ही हम होल करते रहें। तो दोबारा गोल्डन हो गया, तो ऐसे ही हमें डालते रहना है 3-4 बार। अब मैंने चाकू लिया है और इसे साइड से हटा लिया है। और इसे हम अभी थोड़ा गोल्डन होने दें। अभी अच्छा गोल्डन हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने प्लेट में एक जाली रखी है जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो अब हम दूसरा घेवर बनाएंगे, तो उसमें भी ऐसे ही बैटर डालते रहें और ऐसे ही बनाते रहें उसे भी। अब यह गोल्डन हो गया है तो ये मैंने निकाल लिया है और जाली पर रख दें जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और ऐसे ही सारे बनाते रहें। अब हम चाशनी बनाएंगे, तो यहाँ मैंने 1 पैन लिया है और 2 कप चीनी डाली है। और उसमें 1 कप पानी डाला है, आप कम भी बना सकते हैं, आप 1 कप चीनी डाल के 1/2 कप पानी भी डालकर बना सकते हैं। यहाँ मैंने 2 इलायची ली हैं
और इसे अच्छे से बॉईल आने दें। अब इसमें उबाल आ चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं कि एक तार की बनी है या नहीं बनी। तो हमारी चाशनी रेडी है। अब हम घेवर लेंगे और उस पर चाशनी को डाल देंगे। पूरे घेवर पे चाशनी को अच्छे से स्प्रेड कर दें, यहाँ पूरे घेवर पे अच्छे से चाशनी लग गई है। यहाँ ऊपर से मैंने पिस्ता डाल दिया, आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं। तो इस पे मैंने चांदी का वर्क भी लगा दिया है। तो जिसको बिना रबड़ी का पसंद है तो वो चाशनी वाला घेवर भी खा सकता है। तो तैयार है बिना रबड़ी का घेवर। अब हम दूसरा घेवर लेंगे और इस पे चाशनी को डाल देंगे। ऐसे ही पूरे घेवर पे चाशनी को डाल दें। तो पूरे घेवर पे चाशनी अच्छे से लग गई है, तो इस पे रबड़ी भी अच्छे से लगा लें। तो रबड़ी पूरे घेवर पे लग गई है। तो अब मैंने इस पे पिस्ता डाल दिए, आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े केसर के धागे डाल दिए हैं और चांदी का वर्क लगा दिया जिससे कि ये मार्केट जैसा लगे। तो तैयार है रबड़ी घेवर। तो आप सबको कैसी लगी मेरी रेसिपी? तो आप भी बनाएं, सबको खिलाएं, कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें।